हाय गाइस, वेलकम टू शिफाली कोटनालस चैनल। सो गाइस, मेरा चैनल तो पॉडकास्ट बेस्ड नहीं है, बट आज हमने पॉडकास्ट शूट करा है। पॉडकास्ट कह लो या चिट चैट कह लो, क्रिका है, बट हमने राम मंदिर पे बातें करी हैं। जैसे कि आपको टाइटल थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि हम राम मंदिर जब से बन रहे हैं, जो भी ये बातें प्राण प्रतिष्ठा जब से हुई है, तब से हमारे मन में बहुत बहुत सारी बातें थी। मैं ये नहीं कहूंगी हमने 100% सही बात बताई है, बट जो हमारा ओपिनियन था, हमने अपना ओपिनियन रखा है। अगर आप हमारा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, बहुत सारे फैक्ट्स आपको पता चलेंगे। हमने किन किन फैक्ट्स के बारे में बात करी है? तो इसमें हमने बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में बात किया है और कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करे हैं, अपने इमोशंस के बारे में शेयर किया कि हमें कैसा फील हो रहा है राम मंदिर बनने से, कि हमने बचपन में क्या देखा, क्या सुना था और आज हाँ। क्या है। फिर उसके बाद हमने हिस्ट्री से भी रिलेटेड बात करी है, जो राम मंदिर की हिस्ट्री है। सो इस पॉडकास्ट को शुरू से एंड तक देखना। जैसे कि हम सभी को पता है कि हिंदू धर्म में राम भगवान का क्या महत्व है। बचपन से ही हम बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं। मैंने स्कूल में पढ़ी थी रामचरितमानस, और कॉलेज में भी पढ़ी, और हम अपने फैमिली में भी बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है, कैसा उनका कैरेक्टर था, और कितने ही मतलब वो एक अलग रूप में भगवान थे हमारे सारे भगवानों में। लेकिन मैंने इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी अवेयर नहीं थी कि उनका कोई मंदिर क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे कि सभी को पता है कि अयोध्या उनकी नगरी है, वहाँ वो पैदा हुए थे, लेकिन वहाँ उनका कोई भी मंदिर नहीं था। और ऐसा मेरे दिमाग में कभी बचपन से आया भी नहीं कि मंदिर क्यों नहीं है। अब जो मंदिर बन रहा है तो मुझे बहुत 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 खुशी है, और अब जाके मैं उनको देख रही हूँ कि क्या क्या पहले हुआ और कितने लोगों ने उनको मतलब मंदिर को सपोर्ट करा कि यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। और हम तो बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे, ना मैंने आज तक अपना कोई योगदान दिया है उस चीज़ में, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडिया में लोग हैं जिन्होंने उस चीज़ को सपोर्ट करा, और इंडिया में इंडिया से बाहर भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है इस चीज़ को। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो मैं अपना बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं थी कि मंदिर क्यों नहीं है या क्या हुआ है या कोई भी स्टोरी मुझे पता नहीं थी। अब जब बन रहा है तो हम इसके बारे में जान रहे हैं, आपको क्या लगता है? Exactly, मुझे भी अवेयरनेस नहीं थी इस मतलब इस हिस्ट्री के बारे में कि इतना सारा स्ट्रगल लोगों ने किया है इस मंदिर को बनने के पीछे। इवन हम हर गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव जाते थे, जहाँ पर हर गर्मियों की छुट्टियों में रामलीला का आयोजन किया जाता था, वहां पर सारे गांव के लोग मिलकर ही पार्टिसिपेट किया करते थे, जैसे लाल किला में होता है। हाँ शायद, मतलब आपने देखी है तो आपने लाल किला में देखी कैसी होती है? लाल किला में तो बहुत ही बड़े तरीके से होती है, एक बहुत बड़ा मंच लगता है और सारे मतलब जो अच्छे एक्टर्स होते हैं वो आते हैं, बट गांव की ऐसी होती है? हाँ ऐसे नहीं होती, मतलब हमारे गांव में मतलब घर के ही लोग पार्टिसिपेट करते थे, पूरे गाँव के लोग, सबके घर से कुछ कुछ लोग और उसके पास वाले गाँव से भी लोग देखने के लिए आते थे। तो मतलब इतना एक फेस्टिवल सा जैसा रहता था, जैसा मैंने सुना है कि एक मेरी फ्रेंड है उसके यहाँ पर होती है पांडव लीला, ऐसे पांडव लीला भी होती थी हमारे गांव के साइड, वैसी होती थी। और उस टाइम पर ना बहुत एक्साइटमेंट होता था, क्योंकि अपने ही घर के लोग, कोई राम बन रहा है, कोई सीता बन रहा है, कोई दशरथ बन रहा है, तो वो देखने में बहुत एक्साइटमेंट होता था। और अब इस टाइम पर जब ये मंदिर बना तो वो वाली एक्साइटमेंट मुझे इस बार फील हुई, जब मैं वीडियोस देख रही थी और जब वो सारा जो वीडियोस लाइव आ रही थी, मोदी जी कुछ कर रहे हैं या फिर कुछ चीजें वहां पर हो रही है, तो उस चीज को लेके बहुत एक्साइटमेंट था। हाँ, तो ये तो सभी को पता होगा कि किन किन लोगों का योगदान था, बट जरूरी नहीं कि जो आपको टीवी में दिखाया जा रहा है सिर्फ उन लोगों का योगदान था, क्योंकि हमने बहुत पहले की हिस्ट्री पढ़ी तो हमें पता चला, अभी जाकर पता चला कि इतने पुराने टाइम से लोग इतना सपोर्ट करते आ रहे हैं, लेकिन वो क्या हुआ कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग भूलते गए, तो आज उनका बिल्कुल नामो निशानी है। बट हाँ, जो अभी स्टिल जिंदा है जितने लोग, उन लोगों को तो सभी को पता है कौन कौन है, बट मुझे लगता है कि योगदान पहले वाले लोगों का ज्यादा रहा है, क्योंकि अगर वही लोग नहीं करते आज, तो आज जो सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग भी नहीं होते, क्योंकि बीच में कोई छोड़ देता तो वो सब लोग भूल जाते, लेकिन लोग भूले नहीं कि वहाँ मंदिर था, तोड़ा गया, और ये सबको याद रहा। अगर सब भूल जाते तो फिर आज हमें ही नहीं पता होता, मुझे खुद नहीं पता था कि वहाँ मंदिर था और तोड़ा गया। मतलब ये हमारे पेरेंट्स ने हमें इतनी स्टोरीज हमें नहीं सुनाई, या हमारे जो पुराने ग्रैंड पेरेंट्स थे उन तक ये स्टोरीज नहीं आई जो हम तक आ पाती, और अगर ये मंदिर नहीं बनता तो हम भी आगे नहीं सुना पाते किसी को ये कहानी। लेकिन एक हिस्ट्री में नई चीज़ ऐड हो गई है तो हमें आगे बताने के लिए। और मुझे लगता है कि राम मंदिर का बनना इस बात को प्रेजेंट करता है कि हमारा देश अभी भी अपने कल्चर से और अपनी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, वो आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी इनोवेशंस कर रहा है।
हाँ लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँ, अब जैसे मेरे को अवेयरनेस नहीं थी तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि लोग अपने धर्म को थोड़ा थोड़ा भूलते जा रहे हैं, है ना। जैसे कि हर कोई होता, हमारे हैं अब जैसे मानो कृष्ण भगवान है, उनका मंदिर वहाँ मथुरा में है, तो ऐसे ही जो मतलब राम भगवान है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उनका कोई मंदिर नहीं है। हम इतना पूजते हैं उन्हें, इतनी पूजा करते हैं, बट हमें बिल्कुल भी नहीं था यस, ध्यान। और इस बात पे मैंने अभी फोकस किया है हाँ कि कभी इस बारे में शायद किसी ने, बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि सोचा राम जी होगा। का प्रॉपर मंदिर, पर्टिकुलर जगह में कोई मंदिर है भी या नहीं है। हाँ इस बात पे हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इससे ये देखते कि हम अपने कल्चर पे कितना कम ध्यान देते हैं। मतलब मैं सिर्फ 1% हूँ शायद ऐसी, हो भी सकता है कि बहुत सारे लोग अवेयर हो इस चीज को लेके, मैं ही नहीं हूँ। यहाँ सिर्फ मैं अपना ओपिनियन रख रही हूँ कि मैं ऐसी हूँ, और मेरे जैसे मुझे लगता है और भी लोग होंगे। इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इस चीज पे राम मंदिर बनने से बहुत साल पहले ध्यान दिया था या नहीं दिया था। क्या पता जो बड़े लोग हैं, हमसे ज्यादा एज के लोग हैं, उन लोगों ने इस चीज पे ध्यान भी दिया होगा, क्योंकि उन्होंने पुराने टाइम से सुनी होगी ये बातें। मैंने सुनी भी होगी तो मुझे इतना ध्यान नहीं, बट मुझे ना इतना ध्यान है कि पहले ना ऐसी बातें करते थे लोग जो हमसे बड़े होते थे, तो ऐसे कहते थे कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स बन जाने चाहिए या स्कूल बन। अब मैं जो सुनती थी मैं कहती थी हाँ सही कह रहे हैं, और मेरा कोई ओपिनियन ही नहीं था अपना, तो मैं कहती थी कि हाँ ठीक है हॉस्पिटल्स बनने चाहिए। बट जब इंडिया इतना ज्यादा ग्रो कर गया है अब कि उनके पास इनफ हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, तो अब क्यों ना मतलब ऐसे बनाया जाए। मतलब मंदिर को लोग इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनने चाहिए, वो भी तो एक पार्ट है ना। कल्चर तो बहुत बड़ी चीज है। अगर हमारे मानो इंडिया में कोई आ रहा है और उसको पता है कि लॉर्ड रामा के बारे में हर किसी ने सुना है, अब कोई हर एक जना तो क्वेश्चन करेगा ना कि यहाँ पे मंदिर क्यों नहीं है, हर कोई। तो उसके उस प्लेस के लिए भी, टूरिज्म के लिए, हर चीज के लिए देखा जाए तो वो, और अयोध्या में कितना टूरिज्म बढ़ेगा मंदिर की वजह से, वहां के लोगों को कितना काम मिलेगा, बहुत सारे होटल्स बनेंगे वहां पर स्टे के लिए, और मंदिर में जो प्रसाद होता है, मतलब बहुत सारी चीजें। लोग अयोध्या घूमने आएंगे, राम मंदिर देखने आएंगे, तो और भी चीजें एक्सप्लोर करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के तो टूरिज्म बढ़ा रहा है, तो एक टूरिज्म के लिए लोग तो बहुत सारी चीजें, म्यूजियम बनाते हैं, तो म्यूजियम तो कल्चर से रिलेटेड मंदिर बना रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उसमें किसी चीज की कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मतलब अब मैं अगर पहले वाला अपने ओपिनियन को खुद ही करेक्ट करूं, जरूरी नहीं है आज जो मेरा ओपिनियन है वो कल भी वही हो, चेंज होते रहते हैं। तो पहले मेरा ये ओपिनियन था जैसे कि मैंने सुना था लोगों से कि हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बनने चाहिए। और मुझे तो इस बात के पीछे कोई लॉजिक ही नहीं लगता कि मंदिर की जगह पे हॉस्पिटल बन जाता है, क्योंकि एक मंदिर की अपनी वैल्यू है, अपनी जगह है, और एक हॉस्पिटल की अपनी वैल्यू और अपनी जगह है। जब जरूरत होगी, लगेगा कि हाँ हॉस्पिटल बनाने की जरूरत है, तो वो भी बन जाएगा और अब मंदिर इतना भी बनना डेवलप हो चाहिए। चुका है इंडिया कि उसके पास इनफ स्पेस है हॉस्पिटल्स के लिए भी, और अब मेरे को लगता है कि हाँ इंडिया इतना गरीब तो नहीं है कि उसके पास मंदिर बनाने के पैसे हैं और किसी और चीज के लिए नहीं है। तो ये अगर हम पहले देखा जाए तो पहले कह सकते थे जब हमारा देश गरीब था, पर अब तो मुझे नहीं लगता कि है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमारे पूरे धर्म में जितनी वैल्यू श्री राम भगवान को दी गई है, उसी तरीके से इस मंदिर को भी इतना भव्य बनाया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मतलब जितना बना है उतना तो ऐसा मुझे लगता है। और ये ना कुछ कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े मंदिर जो होते हैं उनसे सिमिलर है, जैसे साउथ में होते हैं मंदिर, तो इसके पीछे भी कुछ रहा होगा कि कुछ सोच समझ के ही ये प्लान किया गया होगा, कि नॉर्मल मंदिर से मुझे बहुत अलग लगा, उसकी मूर्ति, उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ बहुत यूनिक है, जो मुझे बहुत पसंद आया। और जिन लोगों ने ये मंदिर बनाया है वो मतलब वो 15 पीढ़ियों से ऐसे ही मंदिर बनाते हुए आ रहे हैं, अच्छा तो सोचो कितना टैलेंट होगा। उस टैलेंट को वो इतना पीढ़ी छोड़ा दर नहीं पीढ़ी वो उन्होंने। लोग आगे लेते हुए आ रहे हैं। और जैसे हाँ अक्षरधाम भी इन्हीं लोगों ने बनाया था, और जैसे तभी मुझे सोमनाथ थोड़ी मंदिर थोड़ी, है, हाँ हाँ बिल्डिंग थोड़ी वैसी वाइब लगी, आती है, हाँ हाँ आती है उस सिमिलर वाइब मंदिर आती है। से। यहाँ तो हम कुछ कर रहे हैं अपने करियर में, हम अपने पेरेंट्स वाली लाइन ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 15 पीढ़ी से अपनी जो ये कला है वो छोड़ी नहीं है। तो मुझे लगता है भगवान का ही वरदान है उन लोगों पे कि वो इतना अच्छा कर पा रहे हैं और इतना सुंदर मंदिर बनाए, जितना भी बनाए। और मैंने सुना है कि अभी तो बहुत कुछ बनेगा, अभी तो वहां बहुत कम बना है। और उसकी जो मूर्ति बनी है, मेरे को उसको कंफर्म नहीं हूं मैं, मेरे को इतना पता है कि वो ब्लैक पत्थर से मूर्ति बनी है, जो बहुत सालों साल खराब नहीं होती, क्योंकि बहुत साल पहले जो सोमनाथ मंदिर और बहुत सारे मंदिर की जो मूर्ति है ना साउथ में, वो इसी पत्थर से बनी हुई है। तो उसी को देखते हुए ये प्लान किया गया कि इस वाले पत्थर से वो मूर्ति बनाई जाएगी।
और जिसने वो मूर्ति बनाई है बहुत बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई है, मुझे बहुत पसंद है। और वो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड पर्सन है, 41-45 ईयर समथिंग का कोई आदमी है मैंने देखा था उसका, कि उसको जब वो पूरे रामलला सज गए थे तो वो खुद ही नहीं पहचान पाए थे, कह रहे थे यार ये मूर्ति मैंने नहीं बनाई है, वो इतने सुंदर लग रहे थे प्राण प्रतिष्ठा के बाद। तो उन्हें लगा कि ये मूर्ति को, ये मूर्ति चेंज हो गई है, ये उन्हें लगा ये वो मूर्ति नहीं है जो उन्होंने बनाई हुई थी, क्योंकि वो उनके अंदर ऑब्वियसली प्राण आ चुके थे। हाँ। और जो मंदिर में यूज होने वाली ना हर एक चीज बहुत बहुत ही सुंदर है, मतलब छोटी से छोटी कोई आप कला देख लो या कुछ भी देख लो, बहुत बहुत अच्छे से, मतलब जब उसकी मैंने मूर्ति देखी ना तो मेरे दिमाग में ना ये था ही नहीं, मतलब मेरे को लगता था जैसे नॉर्मल हम मंदिर में जाते हैं तो वाइट कलर की मूर्ति होती है या कलर्ड होती है, मुझे लगता था वैसी होगी, पर ब्लैक देख के तो मैं भी एकदम मतलब ऐसे शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि मैंने भी साउथ के मंदिर इतने तो विजिट कोई भी नहीं विजिट करा, तो मुझे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था कि इतना दिमाग नहीं लगाया कि ब्लैक कलर की भी मूर्ति हो सकती है। मेनली उस पत्थर को यूज करने का रीजन यही था कि एक तो वो खराब नहीं होता, चाहे उसमें तुम पानी डालो या उस पे दूध डालो या फिर चंदन टीका कुछ भी लगाओ तो वो पूजा करते हुए बहुत सारी चीजें रहता है। और दूसरी बात की एक रीजन ये भी है कि जो श्री राम जी थे उनका जो कलर माना जाता है वो श्याम वर्ण का था, यानी कि थोड़ा सांवले से थे, तो एक रीजन ये भी माना जाता है, जैसे वो कृष्ण जी की मूर्ति भी ब्लैक है। और तुम्हें पता है कि इस मंदिर को बनाने में स्टील का और आयरन का किसी भी चीज का यूज नहीं हुआ है? ये मुझे नहीं पता था, मुझे तो लगता था कि ऐसे ही बना होगा जैसे हमारे घर बनते हैं, स्टील और जो भी आयरन सीमेंट पत्थर, उसमें क्या यूज हुआ है फिर? सिर्फ पत्थरों से बना है, पत्थर से ही ऊपर। हाँ ये मुझे नहीं पता था। और हो सकता है ऐसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने हैं। हाँ मतलब ये तो बहुत मुझे अलग सी चीज लगती है, और मुझे लगता है कि ऐसे ही चीज बननी चाहिए ताकि वो हिस्ट्री में ऐड हो सके, कोई वहां घूमने आए तो वो सब ये चीजें सुने पढ़े तो उसे अलग सा लगे ऐसा कुछ। और अगर ये आयरन वायरन सबका यूज होता है तो मुझे लगता है वो जल्दी ही खराब होती है चीजें, और ये पत्थर वाली चीजें खराब नहीं होती। और मैंने ये भी सुना है कि जो मंदिर की घंटी है वो बहुत बहुत हैवी लगी है, जो उस मंदिर का घंटा होगा एक, मेरे हिसाब से एक ही घंटे का कुछ ऐसे 2000 किलो के आसपास का वो वेट है उसका, और मैंने ये भी सुना है कि उसकी आवाज 15 किलोमीटर तक जाएगी। और ये बहुत शॉकिंग और एक बहुत ही मतलब 15 किलोमीटर तो बहुत दूर है, बहुत दूर। हाँ। यानी मेरे हिसाब से दिल्ली के कश्मीरी गेट से और आप अंदाजा लगाओ तो कहाँ तक, सीपी तक, सीपी वो भी 15 नहीं होगा किलोमीटर, वो भी पास ही है मेरे हिसाब से, 10 किलोमीटर की रेंज में होगा सीपी और कश्मीरी गेट, उससे भी दूर जाएगी उसकी आवाज भाई, ये बहुत अच्छी चीज है। सोचो तो नहीं है कि इतना बड़ी घंटी शायद कहीं लगी हो, मेरी मुझे भी नहीं पता, हो सकता है हो बट मुझे अभी तक बट जितने मंदिर मतलब होगी तो साउथ में ही होगी, क्योंकि नॉर्थ में मुझे नहीं लगता इतने बड़े मंदिर है कि वहां की घंटी आगे तक जाए, जितने हमने अगर हमने उत्तराखंड के देखे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतनी इतनी हैवी घंटी किसी मंदिर में लगी है, क्योंकि उत्तराखंड के तो वैसे मंदिर बहुत छोटे छोटे हैं, कोई इतना बड़ा मंदिर नहीं है। और जब इसे कह रहे हैं कि विश्व में बड़ा सबसे बड़ा ही काउंट होगा ये मंदिर, ऐसा बोला जा रहा है, या विश्व में सबसे बड़े मंदिरों में से एक होगा, अभी कुछ नहीं पता, बस ऐसा मैंने सुना है पढ़ा है, अभी इस ये कितना सच है वो मुझे अभी नहीं पता, लेकिन इतना है कि ये विश्व के सबसे बड़े मंदिरों में से एक होगा या यही सबसे बड़ा होगा, तो इसमें यूनिकनेस तो होनी चाहिए जैसे इसकी घंटी और उसकी आवाज की है। और इस मंदिर की नींव के लिए जितने भी पत्थर लगाए गए हैं ना, सब सारे पत्थरों में जय श्री राम, श्री राम लिखा हुआ है सारे। 3 श्री राम जी की मूर्ति है, उसके तुमने देखा होगी चारों ओर एक कवर है, वो एक स्ट्रक्चर से कवर है पीछे। हाँ एक स्ट्रक्चर से कवर है, इस टाइप का कुछ एक स्ट्रक्चर है, तो उस पर विष्णु भगवान के 10 अवतार बने हुए हैं। अच्छा वो शायद जब हम पास से देखेंगे तभी दिखाई तो देंगे। मेरे को लगता है राम अवतार विष्णु भगवान की है ना, राम और कृष्ण तो भी। हाँ। और उसके नीचे हनुमान जी और गरुण, दो लोगों की मूर्ति है। अच्छा श्री राम के आगे मतलब बहुत सोच समझ के बनाया है ये, पहले मुझे लगा था कि जब राम मंदिर बनेगा तो राम परिवार आएगा, ऐसा मैं सोचती थी। बाकी मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर जरूर जाना चाहूंगी, क्योंकि मेरे को जितना मैंने सुना उतना मुझे देखने का और मन कर गया देखने का कि कैसा है ये मंदिर, अभी क्या मैं अपनी आंखों से भी देखूं।
और तुम्हें टाइम कैप्सूल के बारे में पता चला कि मंदिर के 200 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल फिट किया गया है, रखा गया है? मतलब क्यों? मतलब टाइम कैप्सूल एक एक कंटेनर टाइप का होता है जिसके अंदर ना सारी डिटेल्स होती हैं लिखी हुई, कि ये कब मंदिर, बना? उसकी सारी हिस्ट्री होती है, एक एक शॉर्ट हिस्ट्री लिखी होती है, और इसकी किसने, मतलब यहाँ पे कौन कौन इम्पोर्टेंट लोग इसमें थे अच्छा, सारे। तो टाइम कैप्सूल एक ऐसा कंटेनर होता है जो मतलब कि कैसा भी मौसम हो ये खराब नहीं होता, यानी कि अच्छा इसको, मतलब ये क्या इसलिए बनवाया होगा कि आगे जाके कभी इसकी हिस्ट्री हाँ, कि खोदनी फ्यूचर पड़े में कभी तो? हजारों साल भी अगर कोई देखे या कभी ऐसी सिचुएशन फिर से आ ये गई अच्छा कि दोबारा से लोग था जैसा पहले हुआ था हाँ, एक्चुअल ऐसा में। दोबारा गाइस ना ये हो। हुआ था कि हाँ बहुत सालों पहले, मुझे याद नहीं आ रहा कि कितने सालों पहले, यहाँ सेम जगह पे मंदिर था, और मंदिर अंग्रेजों से पहले, हाँ जब बाबर आया था तो उस समय ये मंदिर तोड़ दिया गया था, क्योंकि उसको अपनी निशानी दिखानी थी। हर एक राजा होता है कि वो अपना अपना हाँ कुछ ना कुछ बनाना चाहता है कि जिससे उसका राज्य नहीं, पता उस चले, टाइम बना पे वो लोग ना जो जैसे कि यहाँ के मंदिर तोड़ के अपने मस्जिद बनाते थे। रहे थे। हाँ तो ये फिर सब क्या हुआ था। कि जब मस्जिद बन गया था तो फिर उसके बाद लोगों के अंदर तो था ही क्रोध, लेकिन वो दबाना ही पड़ता था क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते थे। मतलब मुझे तो पता है कि राम जी के जो 8वें अंश थे ना, मतलब 8 पीढ़ी बाद उन्होंने राम मंदिर बनाया था। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करते ही बाबर आया, बाबर ने वो मंदिर तोड़ के वो मस्जिद बना दिया। उसके बाद जब अंग्रेज आए तो उसके बाद फिर किसी ने, मतलब लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर करी कि यहाँ पर मंदिर था ऐसे ऐसे, तो फिर आधा आधा पार्टीशन दे दिया था। फिर एक दिन जाकर, मतलब क्रोध में कि इधर इनकी नमाज हो रही है, इधर घंटियां बज रही हैं, तो लोगों में लड़ाई पैदा हो गई। और धीरे धीरे ऐसे करके जब अंग्रेज चले गए उसके बाद यहाँ की पार्टीज बनी, और तब जाके लोगों ने फिर मस्जिद तोड़ दी। और फिर उस पर ही भी विवाद हुआ कि अब ये फ्लैट है, अब इसका देखो कि अब यहाँ पर था क्या, क्योंकि जो मस्जिद को सपोर्ट कर रहे थे वो लोग बोलते थे कि यहाँ मस्जिद ही है क्योंकि ये खड़ी है मस्जिद। तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने गिरा ही दी, उन्होंने बोला अब इसमें वो करो छानबीन। तो फिर जब पता चला कि बहुत उसके नीचे खुदाई हुई इन्वेस्टिगेशन में, तो फिर ना एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला जो वो कह रहे थे कि ये इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है। बहुत तो सारी चीजें इस्लामिक, ऐसी हाँ मिली। चीजें ऐसी मिली, तो इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं मिला था, उसका मतलब यहाँ पर मंदिर ही था। फिर उसके बाद जाकर फिर विवाद हुआ, फिर दंगे के डर से कभी मंदिर बनाया ही नहीं गया। फिर ऐसी बहुत सारी चीजें हुई। फिर मुझे ये बात पता चली कि जो हमारे पीएम मोदी हैं, उन्होंने 2000 नहीं सॉरी 1990 में एक रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करी, जिसके वो थे, मतलब जिसको चलाने वाले आडवाणी, हाँ, आडवाणी थे लाल कृष्ण आडवाणी ने वो स्टार्ट किया था, और हाँ, लेकिन ये ऑर्गेनाइज पीएम मोदी हाँ ने करा ऑर्गेनाइज की था। थी मोदी ने। तो कितने, मतलब वो कितना अपने आप को लकी फील कर रहे होंगे कि वो आज भारत के प्रधानमंत्री, और उन्होंने ये क्या करा है, इनोग्रेशन कहेंगे हाँ, मंदिर का जो भी और है, कहीं प्राण ना कहीं एक प्रतिष्ठा। ये कह सकते हैं ना कि ये चीज उनके दिमाग में होगी उस टाइम से, इतने पहले हाँ से, क्योंकि वो उस चीज, उस रथ यात्रा का, उस इमोशन का हिस्सा थे उस टाइम पर, और अब और जाके इतने वो चीज साल पूरी बाद उनकी हुई। चीजें सच हुई। हाँ कितने साल बाद हो गए ये, 10 और ये 24, 34 ईयर्स बाद वो ये काम कर पाए हैं। 34 ईयर्स बाद, मतलब तब से तो उन्होंने ये इच्छा नहीं छोड़ी होगी, तो अब जाके वो पूरा हुआ है। और बहुत सारे लोगों का रोल था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएम मोदी की वजह से ये सब हुआ है, वो तो प्राइम मिनिस्टर थे, वो इस चीज को सपोर्ट कर पाए, पर बहुत बहुत सारे हमारे साधु संत जो थे देश के, उन्होंने बहुत योगदान दिया है। जैसे कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, जिन्होंने, जिनको मुंह से पूरी रामायण आती, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने इतने सारे तर्क दिए थे। ऐसे बहुत सारे हैं, और जिस जिन्होंने ये रामलला का केस लड़ा वो जो थे, उन्होंने भी बहुत बहुत साथ दिया, और भी बहुत पुराने टाइम पुराने हैं से, वो भी। बहुत हाँ सालों से साथ दिया है। फिर उसके बाद ये हमारे हित में आया। तो ये थे हमारे ओपिनियन जो हम दोनों सोचते थे। मैं ये नहीं कहूंगी कि हम बिल्कुल 100% सही बात आप तक पहुंचा रहे, बट जो हमने सुना, जो हम सोचते हैं, वो हमने आप सबको बताया। और बस हम अपने इमोशन जाहिर करना चाहते थे कि हम इस टॉपिक पे ये सोचते हैं, तो इसलिए आज हमने ये वीडियो शूट करी। और मैं चाहती हूँ ऐसे ही जितने भी हमारे हिस्टोरिकल चीजें हैं वो ऐसे ही बनती रहें। और अगर आपको हमारा ओपिनियन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना। बाय बाय।